नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम इंडिया EFTA की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली साइंड हुई है TAPA, इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि EFTA जो है क्या है और ये जो TAPA जो एग्रीमेंट या जो साइन हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्या है, इसका कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और हिंदी में हम ये डिस्कस करेंगे। और UPSC जनरल स्टडीज मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आगामी लगभग 4-5 सालों तक ये जो टॉपिक है यहाँ से आप क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एज वेल मेंस में यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, भारत के द्वारा रिसेंटली जो है साइन की गई है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसका नाम है TEPA, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रख लीजिए, दैट इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और ये जो है साइन की हुई है 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ जिसका नाम है EFTA। EFTA आपकी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें आपकी आइसलैंड, लिक्टेस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये 4 कंट्रीज जो है EFTA में शामिल है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रीलिम्स में आपका EFTA से ही पूछ लिया जाएगा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के कौन से मेंबर हैं या कौन से मेंबर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए आइंस्टाइन, लिक्टेस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जो है इसके जो है मेंबर्स हैं। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो TAPA है ये न्यूज में थी तो ये किससे रिलेटेड न्यूज में है। तो हम ध्यान, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड EFTA। तो देखिए मैप में भी आप एक बार जो है इन 4 कंट्रीज को जो है मैप में देख लीजिए। तो मैं ग्लोबल मैप में आपको एक बता देता हूं इन कंट्रीज को। तो ये आप जो है ग्लोबल मैप जो अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, दिस इज अवर लविंग इंडिया। तो यहां से जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे, तो ये आपको यहां पर यूरोपियन कॉन्टिनेंट दिखेगा। मैं आपके लिए जूम कर देता हूं। तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देखते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देखिए एक लैंडलॉक कंट्री है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है लिक्टेस्टाइन जो कंट्री है, इन दोनों के बीच में एक सैंडविच की कंट्री है, ये मैं जूम करके आपको बता देता हूं। और वाडूज जो है कैपिटल है लिक्टेस्टाइन की, ये भी आपने ध्यान में रख लेना, स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो है आपकी बर्न है। थोड़ा सा मैप को भी देख लेना, स्विट्जरलैंड देखिए आपका बॉर्डर शेयर करेगा फ्रांस के साथ, इटली के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, जर्मनी के साथ और इसके साथ लिक्टेस्टाइन के साथ, और लिक्टेस्टाइन जो है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के साथ ही बॉर्डर शेयर करेगा। और उसके बाद देखिए नॉर्वे, तो नॉर्वे जो है आपका स्वीडन, फिनलैंड और रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करेगा, और यहाँ पर आप नॉर्थ सी भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आइसलैंड, तो आइसलैंड की जो कैपिटल ये रिक्सेविक है। तो ये जो 4 जो कंट्रीज हैं आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिक्टेस्टाइन, ये जो मेंबर्स हैं आपकी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की। तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा आप डीपली भी जान लीजिए। तो देखिए जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना जो है फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जो है की गई थी, ताकि एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है, आर्थिक एकीकरण जो है किया जा सके, ताकि जो है ये जो 4 जो मेंबर स्टेट्स हैं इनको जो है लाभ पहुंचाया जा सके, जिसमें आपके आइसलैंड, लिक्टेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जो है शामिल है। ये 4 कंट्रीज आपने जरूर याद रखनी है। और अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को बेनिफिट करने के लिए अराउंड द ग्लोब ये जो है इनके द्वारा सेटअप की गई थी, और इसको फाउंड किया गया था बाय द स्टॉकहोल्म कन्वेंशन इन 1960। स्टॉकहोल्म आपने ध्यान रखना, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म, तो वहां पर कन्वेंशन हुई थी 1960 में और उसके द्वारा सेटअप हुई थी। तो एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि जो स्टॉकहोल्म जो कन्वेंशन है 1960 की, ये किससे रिलेटेड है, तो आपने ध्यान रखना ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन से रिलेटेड है। और देखिए इनके ट्रेड रोबस्टनेस की अगर हम बात करें तो 2021 में ये जो है 10th लार्जेस्ट जो है ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे पूरे विश्व में मर्चेंडाइज ट्रेड की अगर हम बात करें, और 8th लार्जेस्ट थे इन ट्रेड इन सर्विसेज। तो देखिए सर्विसेज में ट्रेड होता है, जैसे बैंकिंग होगी, इंश्योरेंस होगी, इस तरह से कोई इन चीजों में ट्रेड होता है। मान लीजिए कोई बैंक जो अपनी फॉरेन ब्रांच खोलता है किसी और कंट्री में, तो ट्रेड इन सर्विसेज हम बोल सकते हैं। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर दी EU, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। और देखिए यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर है, आप उसे भी देख सकते हैं, उससे भी आपका जो है नॉलेज एनहेंस होगा। और अगर हम देखिए इंडिया EFTA ट्रेड की ही अगर बात करें तो 2022 में जो कंबाइंड जो EFTA इंडिया जो मर्चेंटाइज जो ट्रेड था वो $6.1 बिलियन को सरपास कर गया था। तो देखिए 1 बिलियन जो आपके 100 करोड़ के बराबर होता है, तो अगर आप उसको करेंगे तो लगभग ये जो है 610 करोड़ आपका जो है लगभग $610 के बराबर ये जो है ट्रेड आपका था 2022 में। इसमें देखिए EFTA कंट्रीज जो इंपोर्ट्स करती थी भारत से, दैट इज ऑर्गेनिक केमिकल्स, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो मशीनरी और फार्मास्यूटिकल जो है मेन एक्सपोर्ट थे EFTA के भारत के लिए। तो हम ध्यान रखना है इंडिया EFTA जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप है
ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है जो कि कवर्स करती है ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कंपटीशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड इन रेमेडीज, डिस्प्यूट सेटलमेंट भी है इसमें, और अदर एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट है विद ईएफटीएज, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन जो आपके शामिल है। अब देखिए की फीचर्स क्या है इस ट्रेड एग्रीमेंट के, टीईपीए के। तो देखिए टीईपीए में एक एम रखा गया है, एक लक्ष्य रखा गया कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है ईएफटीए से भारत में 15 साल में आएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में। ये जो चार जो ईएफटीए जो कंट्रीज हैं, इन्होंने टारगेट रखा है इस एग्रीमेंट के तहत कि $100 बिलियन, अगर आप इसमें 100 से और जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो $10,000 करोड़, मैं रुपीज की बात नहीं हो रहा हूँ, 10,000 जो है डॉलर की बात करें, अगर 80 के हिसाब से हम इसको मान लेंगे तो रफली जो है लगभग जो है 8 लाख करोड़ की ये जो है बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए 1 मिलियन जॉब जो है जनरेट करने की, यानी कि लगभग 10 लाख, 1 मिलियन होता है आपके 10 लाख के बराबर, तो 10 लाख जो जॉब्स हैं इनको क्रिएट करने की इसमें जो है बात कही गई है। इसके साथ साथ देखिए अगर ये जो एग्रीमेंट ये परमिट्स करती है भारत को कि हमें जो है टैक्स में और कंसेशन मिलेगी, अगर मान लीजिए जो स्पेसिफाइड जो इन्वेस्टमेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर ये अचीव नहीं होते हैं टाइम में, तो भारत को और ज्यादा जो है टैक्स में जो कंसेशन दी जाएगी। इसके साथ अगर हम ट्रेड इन गुड्स की बात करें तो एग्रीमेंट जो है ग्रांट करेगी ईएफटीए नेशंस को टैरिफ कंसेशन, इंप्रूविंग देयर एक्सेस टू इंडियन मार्केट। देखिए ईएफटी का भी जो है इंडियाज मार्केट का एक्सेस चाहती थी, तो ये इंडियन मार्केट का जो एक एक्सेस है, एक पहुंच है, इनको मिलेगी। देखिए भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है, हमारी जनसंख्या आज डेट में सबसे ज्यादा है, तो हर एक जो कंट्री है वो भारत के साथ ट्रेड करना चाहती है क्योंकि एक ह्यूज जो है इंडिया की मार्केट है, तो मार्केट एक्सेस एक जो है इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा ईएफटीए को। और इंडिया के लिए देखिए टारगेट रखा गया है, इंडिया ने इसमें बोला है कि हम फेज आउट करेंगे सारे के सारे जो टैरिफ्स हैं, जो भी टैक्स हैं बहुत सारे सामानों के ऊपर ओवर दी 7 to 10 years। और इससे देखिए जो ईएफटीए के जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो ईएफटीए एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो हमें निर्यात करते हैं ईएफटीए, उसमें सी फूड है, फ्रूट्स है, कॉफी है, ऑयल्स हैं, प्रोसेस फूड्स हैं, स्मार्टफोन है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, टेक्सटाइल और मशीनरी है, ये सारे के सारे इससे जो है बेनिफिटेड होंगे। और देखिए ट्रेड इन सर्विसेज से रिलेटेड भी इसमें बात की गई है, तो लिबरलाइजेशन होगी सर्विसेज की और ट्रेड फैसिलिटीज, ग्रेटर मोबिलिटी। देखिए जो भी स्किल प्रोफेशनल्स हैं, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, अदर कोई स्किल प्रोफेशनल्स हैं, इनकी जो मोबिलिटी है, इनकी जो मूवमेंट है बिटवीन इंडिया एंड ईएफटीए कंट्रीज, वो इससे जो इंप्रूव होगी। और देखिए भारत के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें सेक्टर्स लाइक योगा इंस्ट्रक्शन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, इनको जो है न्यू मार्केट्स ईएफटीए कंट्रीज मार्केट्स का जो है एक्सेस मिलेगा, यहां तक इनकी पहुंच बढ़ेगी। इसके साथ अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बात की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अगर बात करें, तो टीएपीए में देखिए प्रोविजन रखा गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, ताकि जो कंसर्न्स हैं रेज बाय ईएफटीए कंट्रीज अबाउट इंडियाज पेटेंट डिजाइन, उनको एड्रेस किया जा सके। इसके साथ देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी ईएफटीए से भारत की तरफ होगा और इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ जो है हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी इसमें बात कही गई है। तो देखिए जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है तो आपने एक बात ये समझनी है कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो टिकाऊ होनी चाहिए। इस चीज का मतलब यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि जो डेवलपमेंट है वो टिकाऊ होनी चाहिए, यानी कि हमने इस तरह से रिसोर्सेज को यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज कर सके, हमने उनको इस तरह से हानि नहीं पहुंचानी है कि फ्यूचर जनरेशन उनको यूज नहीं कर सके, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन रिसोर्सेज यूज होते रहे, वही हमारी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ध्यान रखना हमने टीएपीए में जो है आपके जो है फीचर्स और चैप्टर रखे गए हैं, जिसमें कमिटमेंट्स दी गई है टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड लेबर स्टैंड से रिलेटेड, और एज वेल एज ट्रेड एंड सिस्टम डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब देखिए स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस क्या रहेगी इसमें, तो पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है इसमें। देखिए अब इससे क्या होगा कि इंक्रीज एफडीआई होगी भारत के लिए, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है भारत और ईएफटी की रहेगी, जॉब क्रिएशन भी इसमें होगा, और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएशन की बात जो है की गई है इसमें, भारत में 1 मिलियन जॉब 10 लाख जॉब क्रिएट होगी। चैलेंजेस क्या क्या है, तो लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स एंड ओपनिंग सर्विस सेक्टर कैन लीड टू जॉब लॉसेस। तो देखिए जब भी क्या होता है कि जब ये ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाता है तो जॉब लॉसेस भी होती है और कुछ इंडस्ट्रीज को नुकसान भी होता है। गवर्नमेंट रोल की बात करें तो पॉलिसीज फॉर स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड प्रमोटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ये जो हेल्प करेगी एड्रेस दी चैलेंजेस। तो देखिए कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं, देखिए इंडिया सक्सेसफुल जो एफटीए कंक्लूजन है विद डेवलप्ड नेशंस लाइक स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे सिग्नल्स इट्स डेडिकेशन टू द ट्रेड लिबरलाइजेशन अमिड ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म्स, हम ये बात कर सकते हैं। तो आज की डेट में देखिए एक प्रोटेक्शनिज्म जो चला हुआ है तो एक अच्छा सिग्नल है ये इंडिया ईएफटीए के बीच में जो टीएपीए साइन हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। एक बात और ध्यान आपने ध्यान रखना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिसेंटली ईसीटीए साइन हुआ है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुई है। इसके साथ साथ बीआईटीए भी न्यूज में रहती है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये इंडिया और ईयू के बीच में एफटीए नेगोशिएशन चली हुई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आरसीईपी भी जो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी न्यूज में रहता है, ये आसियान प्लस 5 मेंबर्स के द्वारा ये साइन की गई है, इंडिया ने इससे 2019 में इंडिया से जो बाहर निकले गए थे।
और देखिए मुझे उम्मीद है कि इस तरह से मींस में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इस तरह के ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप अब दे पाएंगे। कंसीडर द की फीचर्स ऑफ द टीएपीए इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट टारगेट्स, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलाइजेशन एंड स्टडी इंप्लीकेशन फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इस तरह के मींस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका आंसर आपने जरूर लिखना है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए जो है नॉलेजेबल वैल्यूएबल वीडियोस लेके आऊँ जो आपको एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करें, तो आप हमारे चैनल को ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस के नीचे कमेंट भी कीजिए, पसंद आती है तो भी बताइए, नहीं आती है तो कोई कमियां हैं उनके बारे में बताइए, और ज्यादा से ज्यादा जो देखिए हमारे चैनल को जो है शेयर कीजिए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए, बिकॉज बी राइज बी लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।